और देखो कितना डाउन टू अर्थ है हमारे ब्रॉन्ज मेडल हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह जी। उस बिच ही मैं अंडर 16 के नैशनल टीम वालों भी खेडिया, फिर मैं 2011 नैशनल टीम चला गया, फिर उस तो लैके हजे तक बस करियर चल रहा है। बहुत सोहना, तो तुम कपिल शर्मा शो के भी गए है ना, बड़ा सू भी ब्रॉन्ज मैडल जितया तो बहुत खुशी की गल है। इन्ने टाइम बाद ब्रॉन्ज मैडल जितया तो साडा यही रहेगा कि अगली नैक्सट ओलंपिक आने ली कि असी अपना कलर चेंज करिए तो इस बार गोल्ड मैडल लैके। वीर जी मैं गल करना चाहूँगा, मैं मिठापुर की एंट्री तो आता पा सकता, सामने थोड़ी फोटो लगी है ब्रॉन्ज मैडल के नाल, तुहानू तुहाडी फैमिली नू बड़ा वधिया, मैं आई एम डैम श्योर कि बड़ा वधिया प्राउड फील होंदा ना जो तुसीं आंदे हो है ना, वो ही कीवें लगदा आ बाकी इदा है जी। देखो प्लेयर यही चीज़ है जी, एक तो अपना है ना नाम चाहता कि मैं है ना अपने पेरेंट्स का नाम नमस्कार सलाम सत श्री अकाल की हाल चाल, दिस इज इरवान पत्रा, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मशहूर वाइंस पे। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज हम मिलने जा रहे हैं ओलंपियन विनर हॉकी के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हमारे कैप्टन मनप्रीत सिंह, उनके साथ मनदीप सिंह और वरुण कुमार जी से जो बिलोंग करते हैं जलंधर शहर से। और ये बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग है सर जलंधर वालों के लिए, नहीं पूरे इंडिया वालों के लिए, और इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो। आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं खराब करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। और बिना आपका टाइम खराब करते हुए सीधा आपको लेके चलते हैं उस जगह जहाँ पर हम मिलने वाले हैं तीनों ओलंपिक विनर से, तो चलिए चलते हैं। हर्षित गुरशान शॉट नंबर 49, गुरशान शॉट नंबर 47। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे हैं हॉकी टीम के कैप्टन ओलंपियन विनर मनप्रीत सिंह, मदीप सिंह और वरुण कुमार जी, और यहाँ पे चल रही है किट्स डिस्ट्रीब्यूशन। समय हम हैं शहीद दर्शन सिंह केपी स्टेडियम में, और आप देख सकते हो पीछे ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे मनप्रीत सिंह जी का पोस्टर है, इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन है। गाइस हमें भी बहुत प्राउड हो रहा है कि हम भी उनको ऐसे लाइव देख रहे हैं, ये मौका किसी किसी को मिलता है। तो गाइस आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे मनदीप सिंह जी का पोस्टर है, और इससे पहले हमने आपको मनप्रीत सिंह जी का पोस्टर भी दिखाया इसी ग्राउंड में, गाइस उन्होंने प्रैक्टिस की। मैं अब करना चाहूँगा कि आप लास्ट वरुण कुमार जी का पोस्टर भी दिखाइए सबको। तो गाइस चलते हैं, इसको वरुण कुमार जी आप देख ही सकते हैं, हॉकी के प्लेयर इधर हमारे सामने मौजूद है, और बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि एक सपना जो ड्रीम पूरा हो गया कि किसी को ऐसे ओलंपिया में जाते टीवी में बहुत बार देखा है। गाइस बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है कि हमने 41 ईयर के बाद, बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। और मेरे पापा खुद भी हॉकी टीम में, गाइस BSF की टीम में है, वो भी देश से जलंधर शहर से, और इतने बड़े लेवल तक गया है और विन करके आया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जितने भी हैं ये हॉकी के यंगस्टर्स हैं, इनमें से कोई नहीं पता कल को कौन सा नेक्स्ट सुपरस्टार निकल जाए और इंडियन हॉकी टीम के लिए रिप्रेजेंट करे कंट्री को, इससे बड़ी और कोई खुशनसीबी की बात नहीं हो सकती जलंधर शहर के वासियों के लिए। और हम इस मूवमेंट से बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल मशहूर वाइंस को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको आगे और इसके शॉर्ट्स दिखाते हैं। तो भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। आपको कैसा लग रहा है? तो आप हमारे साथ चलो, हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है किड्स को। और ये टी शर्ट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, और सिर्फ टी शर्ट्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जा रही गाइस, इसके साथ साथ उनको किट्स भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। ये किट्स भी हैं, फटाफट शूज इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स, मतलब फुल टू फुल जो है वो पूरी जर्सी उनको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, सिर्फ एक चीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही। और इस समय पद्म श्री प्रकट सिंह जी वो भी स्टेज पे इस समय मौजूद है, और हमें इस फीलिंग के बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारे जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनकी ये पिक्चर लगी है। धन्यवाद करते हैं सरदार प्रकट सिंह जी, मनप्रीत सिंह, वरुण कुमार, मनदीप सिंह, सरदार वीरेंद्र सिंह जी।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नेक्स्ट मनदीप सिंह जी, बहुत अच्छे प्लेयर, ओलंपियन मनदीप सिंह जी। देखो जितने भी हमारे ओलंपिक विनर्स हैं वो प्लांटिंग करने ताकि एक अच्छा सोशलाइज मैसेज भी दे सकें। अब देखो और देखो कितने डाउन टू अर्थ हैं हमारे ब्रॉन्ज मेडल हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह जी। और इस समय हमारे साथ इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह जी। सर अपनी शुरुआत बताइए, थोड़ा बहुत जो भी आप बताना, जो अनफिल्टर्ड है बिल्कुल भी ना तुम हिचकना या जो भी तुम्हारा दिल करे प्यार नाल दो मिनट अपना अलग अलग। एक्चुअली कि मैं ना एक्चुअली ग्राउंड तो स्टार्ट की थी मैं जो 8 साल से वर्क मार्क की थी क्योंकि साडी फैमिली जी सिर्फ हॉकी तो स्टार्ट की थी। तो बाद फिर मैं जो है एक ग्राउंड पर सीखा है तो फिर मैं 2005 के बीच सुजी लॉ एकेडमी में चला गया जी। फिर उस तो बाद मैं उसे 2011 तक रहा, फिर उसे बीच ही मैं अंडर 16 के नेशनल टीम में भी खेलता, फिर मैं 2011 एक छोटा यूथ लिए मैसेज दे दो कोई भी कि मैं यही कहना चाहूँगा कि जिदा कि अच्छा सारे गवर्नमेंट सारे लोग जो अच्छे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अगर लेके आ रहे हैं तो मैं भी यही कहूँगा जिन्हें भी यूथ है सारे स्पोर्ट्स में आन तो अपना अपने पिंड अपने शहर अपने देश का नाम जरूर रोशन करना। थैंक यू माँ बोली पंजाबी गल की बहुत बढ़िया लगा। इस समय मेरे नाल मनदीप भाजी मनदीप सिंह जी इंडियन हॉकी टीम के ओलंपिक के जीत के आए हैं ब्रोंज मैडल 41 साल बाद भाजी सानू ये मौका मिले तो खुशी दी तो ये जरूर हूँ हॉकी का जरा मुकाम आप काफ़ी जो एक डाउनफॉल होया से दोबारा वो रेज मिलेगी हूँ देखने सूँ डेफिनेटली इदा लगता ओबियसली तुम भी हूँ लगता होना बिकॉज ताे चेहर के करके ही दोबारा सूँ मौका मिले खुशी देखने का। तो अपनी तुम एक स्टार दसो आप ज़्यादा तेरे समय नहीं लवेंगे एक अनफिल्टर जो तुम दिल से थोड़े आओ तुम साढ़े सामने बयान करते हो है ना कि ताकि किमें शुरुआत हुई किमें राइज होया प्लीज़ भाजी। सब तो पहले सत श्रीकाल सारियां नूं ते मैं सब तो पहले थैंक यू करता हाँ सारियां दा। तो मैं 5 साल का सीगा जी जी मैं हॉकी स्टार्ट की थी तो मैंने क्रिकेट का शौक हुंदा सीगा ते बट मेरी फैमिली च हॉकी खेलते हुंदे सी दादा जी खेलते हुंदे सीगे ते मेरे वड्डे ब्रदर खेलते हुंदे सी हरमिंदर सिंह ते मेरे डैड ने बहुत पिछे पै के मैंने कहा कि तुसीं हॉकी खेलो ते ज़्यादा स्ट्रिक भी होए मेरे ते ते फिर मैं हॉकी स्टार्ट की मैं अपने ब्रदर नूं देख के हॉकी स्टार्ट की ते उस तो बाद मैं इत्थे आई थिंक 5-6 साल मैं आ विलेज खेलिया या अपने पिंड पिंड के टीम के नाल खेलिया तो बहुत ज़्यादा वधिया लगता सीगा क्योंकि इन्ना सब कुछ हुंदा सीगा इत्थे ते सारे जिहड़े टॉप प्लेयर्स जिहड़ा प्रभदीप सिंह भाजी हुंदे सी पहले इंडियन टीम च प्रगट सिंह जी हुंदे सीगे ते मन च सीगा कि मैं असी भी इंडियन टीम नूं रिप्रजेंट करिए ते अपनी ओलंपिक टीम च जाके हिस्सा लीए ते गोल्ड मैडल जित के लैके आईए बट स्टिल ब्रोंज मैडल जितया ते बहुत खुशी दी गल है। इन्ने टाइम बाद ब्रोंज मैडल जितया ते साडा यही रहेगा कि अगली नैक्सट ओलंपिक आने लई कि असी अपना कलर चेंज करिए ते इस बार गोल्ड मैडल लैके ते हॉकी दी राइज नूं भाई तुसीं किवें देखदे हो कि हुण लगदा तुहानूं कि हुण दुबारा तो हॉकी दा इक चाह लोकां नूं मैनूं लगदा मैनूं परसनली ये चीज़ फील हो रही है कि हुण लोकां ने दुबारा इक शुरू करता है देखना जिवें क्रिकेट दे नाल थोड़ी चीज़ हो रही सी बट हुण ओह चीज़ नहीं लग रही भाजी मैनूं। बिल्कुल जी क्योंकि मैं कहूँगा कि हॉकी पहले भी जिदा नेशनल गेम हॉकी आते क्रिकेट में बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे बट स्टिल असी पहले भी टूर्नामेंट जीत रहे थे कि हॉकी उपर नहीं आ रही थी साडा यही एम सी कि जिदा असी कोरोना के चक्कर से असी 1.5 साल असी रहे हाँ
बेंगलोर च उत्थे 6-6 महीने असी ट्रेनिंग की है क्योंकि घर नहीं आ रहे थे, बट यही मन चाहिए कि हॉकी नूं असी उपर लैके जाना क्योंकि हॉकी उपर नहीं जा रही थी, बट स्टिल असी टूरनामेंट जित रहे थे, बट यही सी साडे कोल आई मौका सी कि ओलंपिक च असी मैडल लईए ते हॉकी नूं उपर लैके आईए, बट स्टिल असी ये चीज़ काम कर रहे बहुत वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन किया। तो यूथ नूं भाजी तुसीं की मैसेज देना चाहोगे अज्ज दे यूथ नूं? मैं मैसेज देना बहुत जरूरी है, तुहानूं वी पता है ना? बिल्कुल जी, मैं यूथ नूं यही कहूँगा कि नशियां तो दूर हो के स्पोर्ट्स की लाइन वाल जाओ क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत कुछ आ, तुसीं अपनी लाइफ चेंज कर अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी फिटनेस नूं होर वधिया कर सकते हैं, अपनी फैमिली का पंजाब का इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं स्पोर्ट्स की लाइन च आके। तो सच्ची दस्यो ब्रदर टू ब्रदर कन्वर्जेशन कर रहे हैं, किवें लगता अपनी फोटो देख के हुण जदों हर पासे लगी आ, मैं देखिया पिंड दे विच वी लगी हुई आ है ना, ते आपां जदों एंट्री करदे जलंधर शहर दे विच उत्थे वी लगी हुई आ, किवें दा फील करदे? बिल्कुल जी, बहुत वधिया फील हुंदा आ, प्राउड फील करदे आ कि मतलब कि असीं वी देखदे हुंदे सी कि इदां सारिआं दी फोटो लगी आ कि साडी वी फोटो लगनी चाहीदी आ, अज्ज असीं उह चीज़ देखदे आ ते बहुत फील करदे आ। मैं थैंक्स करना चाहूँगा मिठापुर दा ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਫਿਲਟਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਾਈਕ ਦਾ ਖੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਰੀ ਦੀ ਕਰਪਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਪੜਾਵ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਲਾਏ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲੀ ਵਰਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਯੂਥ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਖੇਲੋ ਚਾਹੇ ਅਦਰ ਗੇਮਸ ਖੇਲੋ ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਘੇਰੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਜੇ 10-12 ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਕਰੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਬਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਯੂਥ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਦਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਡੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਖੇਡਣ ਡੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਬਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਰੀਜਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਂ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਹਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੇਜ ਹੋਵੇ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਚੱਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर टाइम थैंक यू इस टाइम मैं सीनियर विजन LIC ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ LIC ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿਲਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3 ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ 41 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਕੀ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ये जगह थी यहीं पे हमने सारी बात की हमारे तीनों ओलंपिक विनर के साथ जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया इनफैक्ट इतने डाउन टू अर्थ थे ना मैं टू बी सीरियस टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे एक ब्रदर टू ब्रदर कन्वर्सेशन लगी एक भाई टू भाई कन्वर्सेशन लगी इतने डाउन टू अर्थ इतने अच्छे से उन्होंने तीनों ने हमें और ये भी नहीं कि उन्होंने कहा कि हम एक साथ आपके साथ इंटरव्यू कर देते हैं उन्होंने अकेले अकेले ने हमारे साथ इंटरव्यू किया और हमें बहुत बहुत ही प्राउड मूवमेंट थी हमारे लिए और एक बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था हमें लगता है कि और भी बंदे यहाँ से उठेंगे अब भाई साढ़े सामने खड़े हैं असं भाई चाहेंगे कि तुम भी आने वाले टाइम तो अपने कंट्री में रिप्रजेंट करो ठीक है ना यही साढ़े सारे देख के ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਥ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸੋ ਵੀ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਯੂ ਲਵ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਤੇ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਵਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਈਨਸ ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਏ ਵਲੋਗ ਕੇ ਸਾਥ ਜੈ ਹਿੰਦ